सो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और यहाँ पर अपन को एक्स एक नेचुरल नंबर दे रखा है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को देखो, 3025, ये तुम देखोगे तो ये 55 का स्क्वायर होता है, 3025। और तुम्हें एक और प्रॉपर्टी पता होगी कि जैसे समेशन ऑफ आई क्यूब, यानी अपन क्यूब का सम करें और एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है, तुम्हें पता है एन टाइम्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर होता है। और अब तुम देखो कि अगर तुम 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 करोगे तो ये तुम्हारे पास 55 आएगा, और इधर पुट करोगे तो 55 का स्क्वायर आएगा जो कि एग्जैक्टली 3025 है। यानी तुम क्या कर सकते हो कि वो जो 3025 है और जो कि 55 का स्क्वायर भी है, उसको तुम ब्रेक कर सकते हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब में, इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन ने उसको ब्रेक कर लिया, और अब ये अपन को दे रखा है इक्वेशन 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 अप टू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू, अपने पास अब बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब। तो अब यहाँ पर अगर मैं 1 क्यूब को इधर लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस 1। फिर नेक्स्ट जो बनेगा 16 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 8, अगर 2 क्यूब के साथ यहाँ पर 2 क्यूब पे इसके साथ करें तो नेक्स्ट यहाँ पर 81 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस 27, और ऐसे लास्ट वाला करें तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9 माइनस, यहाँ पर ये 1,000 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस, यहाँ पर तुम्हारे पास बनेगा ये 16 माइनस 8 एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। यानी इसको तुम देखोगे तो ये 8 माइनस 8 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पर इसको तुम 8 टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। वैसे जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर वो आएगी 81 माइनस 27 एक्स माइनस 54 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, और यहाँ से भी अगर तुम देखो तो इसको 27 माइनस 20 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, और यहाँ से भी 27 कॉमन ले लो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो तुम देखोगे तो लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर लिखूँ तो वो तुम्हारे पास बनेगी 1000 टाइम्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9। यहाँ पे देखोगे तो ये 2 का क्यूब बन रहा है, इधर 3 का क्यूब बन रहा है, तो इधर वैसे ही 10 का क्यूब आ जाएगा, 1 माइनस एक्स सब में आ रहा है, और नीचे जो सबका अलग अलग है वो आ रहा है इस तरीके से। तो अब इस पूरे में से क्या होगा कि अगर अपन 1 माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये कॉमन आ जाएगा, और इधर बचेगा अपने पास 1 बाय एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 अप टू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 9, इस तरीके से आ गया और इज इक्वल टू ये 0 है। अब तुम्हें पता है एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो ये वाला पार्ट तो नॉन जीरो है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।